दोस्तों, वो लोग जो साइंस को सब कुछ मानते हैं और भगवत गीता को केवल एक धार्मिक किताब, तो उन्हें आज की वीडियो में मैं कुछ साइंटिफिक थ्योरी बताऊंगा जो कि भगवत गीता में हजारों साल पहले लिखी गई थी। सेकंड, मेडिटेशन टेक्निक। दोस्तों, चाइना और जापान में बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक बताई जाती है जिसमें हम स्ट्रेस एंगा को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे फोकस को बढ़ा सकते हैं, बट ये सब गीता के चैप्टर 6 में हजारों साल पहले ही बताई जा चुकी है। जिस टेक्निक को चाइना और जापान अपनी बताते हैं, रियलिटी में वो गीता से ही लिया गया है। थर्मोडाइनमिक लॉ। दोस्तों, साइंस के इस लॉ में ये बताया गया है कि एनर्जी को बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यही सेम चीज़ गीता में भी है। आत्मा यानी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो सिर्फ शरीर बदलती है। मतलब साइंस की ये लॉ भी गीता से ही इंस्पायर्ड है। वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट। बाय बाय।